नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल गाने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा बोलती हुई नजर आने वाली हैं कि तुम मेरे बेटे को कैसे अडॉप्ट कर सकती हो, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय जो कि शगुन की एंट्री होने के बाद में उसने मीत हुड्डा का बेटा यानी चीकू को ले लिया है। आप लोग जानते हैं कि इस समय मनमीत पहलवान भी इस चीज़ को ऑब्जेक्शन करता हुआ नजर आने वाला है कि कोई किसी के बेटे को कैसे ले सकता है, और इस चीज़ की खुद अनुमति तो देते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि कोर्ट के थ्रू वो अनुमति लेती हुई नजर आने वाली है। हालांकि ये पूरी प्लानिंग किसी और की नहीं है, बल्कि ये सरकार प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि सरकार का कहना ये है कि जिस तरीका से मेरे बेटे मनमीत को मेरे से दूर किया है, वैसे ही मैं मीत हुड्डा को खून के आंसू रुलाना चाहता हूँ ताकि मैं इसके बेटे को दूर कर सकूँ। आप लोग जानते ही हैं कि लगातार कहानी में एक से बढ़कर एक एक नए नए ट्विस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लगातार कहानी में काफ़ी बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मनमीत पहलवान तो साथ दे रहे ही हैं मीत हुड्डा का, साथ में मनमीत पहलवान की जो मोम है यानी यशोदा, वो भी मीत का ही साथ देती हुई नजर आ रही हैं। उन लोगों का कहना ये है कि इस लड़की ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, और हमारा फ़र्ज बनता है इस लड़की का पूर्ण रूप से साथ देना। और वाकई में दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस समय साथ देने में कोई भी पीछे नहीं हटने वाला। मीत हुड्डा का हर तरीका से, हर प्रयासों से साथ देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और नया भी ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। बात की जाए इस समय सबसे बड़े ट्विस्ट की, तो जल्दी ही आप लोगों के बीच में पता चलेगा कि किस तरीका से मनमीत पहलवान और मीत हुड्डा बहुत ही चालाकी के साथ में आखिरकार शगुन को करवाएंगे जेल के अंदर। क्योंकि किसी के बच्चे को ध्यान मस्ती अपनी साइड करना और फिर टॉर्चर करना, ये सबसे बड़ा क्राइम और सबसे बड़ा अपराध है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे